हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? तो मैं और सोनम ने अभी अभी एक वीडियो बनाई थी चिट पिक चैलेंज वीडियो की, और हम दूसरी वीडियो बना रहे हैं। तो ये मैं सोनम के मेकअप करने वाली हूँ, और बहुत ही लाइट मेकअप, जैसे लड़कियां कॉलेज गर्ल करती है या कोई ऑफिस जाती है, लेडीजे वगैरह जॉब वगैरह जो करते हैं, तो उनके हिसाब से हम आज मेकअप की वीडियो बना रहे हैं। क्योंकि पार्टी वेयर मेकअप की वीडियो बहुत ज्यादा अपलोड कर दी, तो हम सोच रहे हैं कि आज एक कॉलेज गर्ल के लिए स्पेशल वीडियो बनाई जाए, जो ऑफिस की लड़कियां हैं। मैं कॉलेज लगाने वाली वाली हूँ, हूँ। लोटस की सनस्क्रीन ज्यादा हो गई क्या? इसका तो कलर ही अजीब सा लग रहा है, हाँ मतलब है जी, फाउंडेशन टाइप लग हाँ रहा वही लग है। रही है ना। आप जब भी बाहर जाते हो तो धूप होती है, तो आपको चाहे सर्दी हो या गर्मी हो, तो आप सनस्क्रीन को जरूर यूज करें। वैसे तो हर किसी को अप्लाई करनी चाहिए, लेकिन जो घर से बाहर जाता है उनके लिए तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है ये लगाना। जैसे सोनम को बाहर जाना है, अभी यहाँ से सोनम घर जाएगी तो बाहर धूप है, इसीलिए मैं ये मेकअप सोनम पे कर आप रही हूँ। चाहते हो कि सोनम मेरा मेकअप करे, तो उसके लिए और आप कौन सा मेकअप देखना चाहते हो दीदी के ऊपर? हैवी ये मेकअप, पहले दिखाना ब्राइडल मेकअप पड़ेगा। अगर बोलोगे तो दीदी को हम ब्राइडल भी बना देंगे। हाँ, इन्होंने पूरा वैसे कोर्स करा हुआ है ना, कोर्स करा हुआ है ना, इन्होंने पूरा कोर्स करा। वीरा जेल, क्योंकि प्राइमर वगैरह किसी किसी को सूट नहीं होती, तो हाँ इसीलिए ये एलोवेरा जेल है। हाँ तो वो कॉलेज वाली लड़कियां हैं, वो ये एलोवेरा जेल इस्तेमाल करेगी तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया है प्राइमर की जगह, क्योंकि इससे कोई उनकी स्किन को हानि नहीं पहुंचेगी, तो ये बेस्ट रहेगा उनके लिए। तो इसीलिए हम एलोवेरा जेल उसको स्किप कर दिया हमने, प्राइमर को, और उसकी जगह हमने लिया है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल आपको आराम से मार्केट में किसी भी शॉप पे मिल जाएगा। आप चाहो तो पतंजलि का यूज कर सकते हो, जो भी एलोवेरा जेल वैसे सारे बढ़िया होते हैं, जो मर्जी आप यूज करो। आप इसको लगाने के बाद 1 मिनट के लिए स्किन पे सेट इन्फॉर्मेशन होने जो दें। होता है उसमें केमिकल होते हैं, चाहे आप कोई भी ब्रांड का ले लो, तो लड़कियों के लिए वो सही नहीं है, तो उसके लिए हमने लिया है कंसीलर। वे का ये कंसीलर है, तो इसको लगाएंगे हम। तो आप लोग भी जो लड़कियां हैं, तो वो वैसे भी इतने ज्यादा मेकअप की, हाई मेकअप की जरूरत नहीं होती। आप जब जाते हो कॉलेज में या ऑफिस में, तो लाइट मेकअप ही करते हो आप सभी, तो उसके लिए सबसे ज्यादा अच्छा है कि आप थोड़ा सा कंसीलर लगा ले, साथ में आपके जो डार्क सर्कल है तो वो भी ये हाइड हो है जाएंगे। नहीं डार्क सर्कल सोनम के तो वैसे है नहीं, अगर कहीं भी आपके दाग धब्बे हैं ना, थोड़े काले दाग धब्बे हैं, तो आप थोड़ा थोड़ा लगा लो, ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं है। ब्लेंडर लेना है तो ब्लेंडर ले लो। ब्लेंडर ही दे दो, और आप चाहो तो ब्रश की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लेना, नहीं तो ब्लेंडर हो तो ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लेना। साथ में आपको टाइम भी कम लगेगा ये वाला मेकअप करने में, और आप बहुत ही अच्छे सुंदर से रेडी तैयार भी हो जाओगे ऑफिस जाने के लिए। और लड़कियों को जल्दी होती है कॉलेज जाने के लिए, तो उनके लिए भी हाँ, उनके लिए सबसे बेस्ट है, क्योंकि जब ऑफिस में जो भी काम करता है या लड़कियां कॉलेज जाती है, तो उनको 10 मिनट मुश्किल से मिलते हैं तैयार होने के लिए, तो वो इस तरह से फटाफट अपना मेकअप कर सकते हैं। प्रोडक्ट भी बहुत ही कम यूज होंगे और आपका तो अच्छा ये मेकअप है भी हो लूज जाएगा। पाउडर। और ये सबसे ज्यादा बेस्ट है, अगर ऑयली स्किन है तो आप लूज पाउडर का यूज करें सर्दियों में, अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप इसे भी स्किप कर सकते हो, चाहे मत लगाओ, कोई जरूरत नहीं है। अगर ऑयली स्किन है तो आप इसे जरूर लगाएं, ताकि आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग टिका रहेगा। अगर आप सोनम के साथ मेरी वीडियोस देखना चाहते हो, तो पहले ही मेरे चैनल पे चिट पिक चैलेंज वीडियो अपलोड हो चुकी है, और उसका लिंक मैं इस वीडियो में है, तो आप लिंक पे क्लिक करके उस वीडियो को भी जरूर देख लेना, काफी मजा आएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, बहुत ही मजेदार है, क्योंकि हमने मेकअप इतना अच्छा किया है ना चिट पिक में भी, तो आप जरूर जाके देखो और उस पर कॉमेंट्स करो और बताओ। और हमने एक क्वेश्चन भी छोड़ा है वहां पे, मस्कारा। तो अब यहाँ पे लगा रहे हैं हम मेबलिन का मस्कारा। अब नेक्स्ट आपको जल्दी से हम हॉल वीडियो लेकर आएंगे, हॉल वीडियो दिखाएंगे, और ज्वेलरी के ऊपर भी जल्दी से हॉल वीडियो आपको देखने के लिए मिलेगी, ज्वेलरी के ऊपर, कपड़ों के ऊपर, तो अलग अलग तरह की न्यू वीडियोज अपलोड होती रहेगी। तो आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत ही जल्दी आपको न्यू न्यू वीडियोज देखने को मिलती रहेगी। तो अब मैंने लिया है यहाँ पे आई शेडो पैलेट, और बिल्कुल लाइट सा कलर हम लगाएंगे, ये वाला लगा देते हैं ना, ये वाला लगा लो ये वाला, लाइट हाँ सा। ये लाइट है। तो यहाँ पे मैं बहुत ही लाइट सा कलर पिक कर रही हूँ, क्योंकि लड़कियां हैं जो ज्यादा और डार्क कलर, फिंगर्स की हेल्प से लगाएंगे ताकि हाँ जल्दी होता है ना तैयार होने में। तैयार होने में जल्दी होता है, टाइम कम होता है, तो आप जल्दी से अपनी फिंगर की मदद से ही लगा ले।
और काफी अच्छे तरीके से लग जाता है, ऐसी बात नहीं है कि फिंगर से लगता नहीं है। करना पड़ेगा। तो ये काजल तो सोनम अपने आप लगाएगी क्योंकि शायद मैं आंख में डाल दूं इनके, कहीं घर वाले कहेंगे यार क्या करा के आई है दोबारा आनी ना दे वीडियो बनाने के लिए, इसीलिए भाई मैं ऐसा रिस्क नहीं लूंगी, तो इनको ही दे दिया कि ये खुद ही लगाएंगे मेरी बेटी को तो वैसे भी खोल के मंदिर मामा के पास जा रही हूँ। हाँ तो गुड़िया को तो वैसे सोनम की छोटी सी गुड़िया 1 साल की, और ये ऐसे कैसे हुई पड़ी है, लिपस्टिक भी लगा लेना। हाँ तो लिपस्टिक भी सोनम अपने आप ही लगाएगी यहाँ पे। तो गुड़िया इंतजार कर रही है कि मम्मी बंदर मामा के पास गई है और जल्दी से आने वाली है। तो लाइट सी कलर कोई भी लाइट लिपस्टिक आप लगा लो, जरूरी नहीं है कि हमारे पास है वही आपको यूज करनी है, कोई भी लाइट कलर की लिपस्टिक है तो आप हल्की सी वो लगा ले। तो आप देख सकते हो कि हमारे पास सिर्फ इतने से ही प्रोडक्ट थे, अगर आपको आईलाइनर पसंद है तो आप लगा सकते हो। आप लगाओगे? रहने देते हाँ, कॉलेज तो सोनम तो अच्छी खासी तैयार हो गई, कॉलेज के हिसाब से काफी है, लेकिन आईलाइनर लगाना चाहो जिसको पसंद है तो आप लगा सकते हो। तो ये इतना सारे मेकअप में आराम से मेकअप हो गया, देखो कैसे सोनम तैयार हो गई, लग भी बहुत प्यारी रही है, सुंदर लग रही है तो मैंने थोड़ा सा मैं भी काजल कुजल डाल लूं, मैंने कुछ नहीं डाला हुआ क्या बोलूं आप बताओ कि मैं दीदी पर कौन सा मेकअप करूं, वो आप बताओ। दीदी पर अगर आप बोलोगे कि ब्राइडल मेकअप करूं तो मैं दीदी के ऊपर ब्राइडल मेकअप भी कर दूंगी, दीदी को दुल्हन की तरह तैयार भी कर देंगे वो आप बताओ, पार्टी मेकअप, ब्राइडल मेकअप, कौन सा मेकअप, या यही कॉलेज वाला मेकअप ही हम दीदी के ऊपर करें, वो आप जितने कमेंट आएंगे हम उतने ही। वैसे मेरे को लगता है अपने पार्टी वेयर मेकअप की वीडियो बहुत डाली है, ब्राइडल मेकअप की शायद नहीं डाली अभी तक। अभी फिर आप बोल लो तो हम दीदी को अपने दुल्हन बना देंगे, अच्छा सा लहंगा वहंगा डाल के लहंगा डाल के ब्राइडल मेकअप कर लेते हैं, और नहीं तो देखते हैं। आप कमेंट्स करके बता देना कि पार्टी वेयर मेकअप हो या ब्राइडल मेकअप हो या नॉर्मल जैसे अभी सोनम पे किया है तो इस तरह मेकअप की वीडियो दोबारा बनाएं, तो ये भी आप लोग बताओगे। और जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो चुकी है कैसी लगी आपको, हाँ कैसी लगी ये भी कमेंट्स करके बताओगे, और पनिशमेंट क्या होनी चाहिए चिट पिक चैलेंज वीडियो की वो भी आप लोग बताओगे। तो हमने बहुत सारे यहाँ पे क्वेश्चन छोड़ दिए, उसके सारों के जवाब देने हैं। वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना और शेयर भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग